बोकारो के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ के तलघटी में बसे रौला गांव के किसान अनिल कुमार महतो ने सोशल मीडिया से मिली जानकारी के प्रभाव में आने से ठगी के शिकार हो गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला केसर की खेती से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इन्होंने अमेरिकन केसर की खेती कर लाखों करोड़ों कमाने के झांसे में आकर अपने दो अन्य किसान साथियों के साथ मिलकर 80 डिसमिल जमीन पर अमेरिकन केसर की खेती कर डाली। खेत में फसल पककर तैयार हुई तो ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। दरअसल ये पौधे तो केसर के पौधे की तरह ही दिखते थे, लेकिन असल में ये केसर का पौधा था ही नहीं। अनिल ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त की थी और फिर ऑनलाइन ही इसका बीज मंगा कर खेती आरंभ कर दी। जब फसल पककर तैयार हुई तो वो काफ़ी खुश हुए, लेकिन केसर के बाजार नहीं मिलने पर उन्हें ठगे जाने का एहसास हुआ। अब वो सरकार से अपनी फसल बिकवाने की गुहार लगा रहे हैं। विश्व में केसर की खेती भारत के कश्मीर सहित ईरान और स्पेन में भी होती है। इन्होंने जो बीज ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो कुसुम का बीज था, जो कि बहुत हद तक अमेरिकन केसर से मिलता जुलता दिखाई देता है, जिसे केसर बताकर इन भोले भाले किसानों को ठगी का शिकार बनाया गया है। फसल नहीं बिकता देख अब ये लोग ठगे जाने का एहसास महसूस कर रहे हैं। फिर भी भुगत भोगी किसान अपनी फसल को बिक जाने की उम्मीद पाले बैठे हैं कि किसी तरह उनकी फसल बिके और वो अपनी नुकसान की भरपाई कर सकें। सर की खेती हमको आइडिया आया, कहीं कहीं सुने थे और यूट्यूब में देख रहे थे, यूट्यूब के माध्यम से देखे कि सोचे कि सर का खेती करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, इसमें लाभ होगा, ताकि आगे कुछ विकास का काम करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से ही केसर का हमको जानकारी मिला। कितना जगह में किया? यही तो यही 80-90 डिसमिल के लगभग में है मेरा, और दो बगल में दो किसान और लगाया है 1.5 एकड़ में। हाँ, एक चीज़ बताइए, क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत हो रही यही कि मैंने तो मेहनत करके लगा लिए, उपजा भी लिए, मेहनत करके फूल जो है उसको भी तोड़ के रख रहे हैं सुखा के घर में, लेकिन बेचेंगे कहाँ, इसका मार्केट कहाँ पता नहीं चल। क्या कहना चाहते हैं सरकार? सरकार से ही कहना चाह रहे हैं थोड़ा इसका मार्केट का व्यवस्था करें और कहीं बेचवाने का काम करें, ताकि। मेरा नाम अनिल कुमार महतो जी। का इस प्रयास को किस रूप में देखते हैं? ये अनिल जी जितना खट रहे हैं किसान के, जितना खाता बेचारा पसीने पसीने होकर ये खरते खरते यही हो गया। हम लोग तो गम लगाए उन लोग निकाल लिए, लेकिन इसी में पड़ा है बेचारा। अब इसको पड़ा है, फिर पड़ल अभी पड़ले है, फिर इसको इसमें का होगा नहीं होगा इसको पता नहीं चल रहा। अभी माटी का सामान है, सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, इसको बाजार में कहीं बेचवाने काम कीजिए, तो अगला किसान और जाके झारखंड में यार कोई खेती लगावे तो झारखंड का नाम होगा। यही हम कहना चाहते हैं, का कहीं रोजगार मिलेगा ककरो। जैसे हम लगाए थे 20 गुना तोड़ रहा है, 20 गो रोजी हो रहा है गरीब का, फुलवा तोड़ रहा है, 100 रुपया है हाजिरी तोड़ रहा है। तो इसलिए सरकार से ये कहना चाहते हैं, अभी 50 आदमी रोजी हो रहा है इसमें, ये किसान लगा, 50 किसान लगाएगा तो कितना जिएगा, इसे बेचवाने का खाली मार्केट हम लोग का कहीं व्यवस्था किया जाए, सरकार से यही कहना चाहते हैं। अच्छा लगा देखने में, इसको बेचने का दिक्कत हो रहा है, बेचवाने का काम कीजिए थोड़ा। कितना मेहनत की इसमें? मेहनत तो बहुत ज़्यादा किए हैं, पहले बंजर था खेती, इसको जोत जाके जमीन था बंजर, पहले बहुत जोते इसको, उसके बाद लगाए हैं, मेहनत तो फर्स्ट टेस्ट कर रहे हैं अभी तक, तो मेहनत तो करते हैं, अभी तक तो बेचने का काम अभी हुआ नहीं। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं इसका बेचवाने का काम थोड़ा मार्केट में करवा दीजिए बस। हो जाएगा।